चुनावी गप में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त चमन पंसा और मैं हूँ हुक्का पुजारी। okay. अंग्रेजी अल्फाबेट ई और डी की ताकत आज इतनी बढ़ गई है कि उससे पूरा विश्व हैरान है। इन अल्फाबेट को बनाया तो अंग्रेजों ने है, लेकिन भारत सरकार ने इसका इतना बढ़िया सदुपयोग किया है कि ईडी की ताकत को देखते हुए पूरा विश्व हैरान है। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च शुरू कर दी है कि ई और डी की ताकत को हम समय रहते क्यों नहीं पहचान पाए, हमसे कहां चूक हो गई। वहां के साइंटिस्ट टिम हैरी का कहना है कि भारत में शक्ति काम कर रही है। इस संबंध में हमने सीधे बात की टिम हैरी से। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। We are trying to find out the power of E and D. E means energy, शक्ति, and D means daring. Mr. Modi is using this power very well. You know, during the election time, the electoral bond come together and generate a great energy. So, during the election, ED becomes more powerful. Haha, this is the main reason. हमारे ग्वालियर के संवाददाता खज्जू खजेला ने ब्रिटिश स्कॉलर जो कि ग्वालियर घूमने आए उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर ई और डी की ताकत भारत आते ही इतनी बढ़ कैसे गई। हाँ खज्जू, कौन है तुम्हारे कब्जे में? क्या हम लोग भी उनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? हाँ भाई साहब, ये स्टुअर्ट टोमेटो हमने पकड़ लिया है। आप अंग्रेजी जाके समझ में नहीं आ रही हमें, हमारी बात जो नहीं समझ पा रहा हूँ, तो आप ही कुछ पूछ लो। मिस्टर स्टुअर्ट, टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट पावर ऑफ ई एंड डी एक्चुअली। या आई गॉट अ पॉइंट, बट मेरे को हिंदी टूटा फूटा आता है। हिंदी में बोलो। यस प्लीज कैरी ऑन। या हमारा एंसेस्टर्स इंडिया में इंग्लिश छोड़कर गया, उनको इंग्लिश की पावर का पता नहीं था। इंडियन लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, उन्होंने ई की पावर पर रिसर्च किया। जब किसी को दर्द होता है वो ई चिल्लाता है और फिर उसको डी फॉर ड्रग्स देते हैं जिससे दर्द दूर होता है। ईडी पॉलिटिशियन का बीमारी दूर करता है। तो मिलते हैं नई चुनावी गप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।